यादव, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आया है। जिन लोगों को शपथ समारोह के दौरान बुलाया गया है उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। निमंत्रण पत्र की पहली झलक न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। देख रहे हैं आपको शपथ पत्र के शपथ ग्रहण के दौरान जो निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं सभी को, उसकी एक झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए, यही वो खास निमंत्रण पत्र है जो भेजे जा रहे हैं मेहमानों को, जो कल प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के दौरान शामिल रहने वाले हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है जो आपको न्यूज 18 पर दिखाया जा रहा है। पहली झलक इसकी सामने आई है। और ये देखिए, जब निमंत्रण पत्र की पहली झलक न्यूज 18 पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये निमंत्रण पत्र की तस्वीरें। और तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और कल 7:15 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और कल का दिन बहुत ही खास है क्योंकि एक बार फिर से देश में विकास के बयार की शुरुआत होने जा रही है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत ही भव्य तरीके से पूरा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, और उसका जो निमंत्रण पत्र है उसकी झलक आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और इससे पहले 2019 और 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो आप ये देखिए, आपको वो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पहली तस्वीर है 2014 की, जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और दूसरी तस्वीर है 2019 की, जब दूसरी बार उन्होंने देश की जनता ने उनके हाथों में देश की बागडोर थमाई और उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और अब देखिए 2024 में कल वो तस्वीर सामने आएगी जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां बिहार से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी सरकार में बिहार से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें 3 मंत्री जेडीयू के कोटे से होंगे, 3 मंत्री बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं, और इसके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि जीतन राम मांझी को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री पद का पद दिया जा सकता है। वहीं मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से एक आदिवासी और एक महिला चेहरे को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। नौ जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी, और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल होंगे तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहां पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं और खबर दिल्ली से, जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी और ये बैठक अब पूरी हो चुकी है, और इसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव पास हो चुका है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। और अब देखिए, आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आएंगे राहुल गांधी। और एक अलग ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर संख्या बल की बात करें तो आप देखिए कि 99 जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। और एक तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार
मौजूदा सरकार को लेकर अपने बयान देते आ रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने जनता से कनेक्ट किया उसके बाद ये समझा जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और ये सभी की मांग थी जिसे प्रस्ताव पास किया गया है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली से संवाददाता शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, राहुल गांधी का नाम स्पष्ट हो चुका है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। आप बिल्कुल देखिए, आज की सीडब्ल्यूसी में जहां चुनाव परिणामों का आकलन हुआ, समीक्षा की गई, तो वहीं एक सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने सोनिया गांधी से, पार्टी अध्यक्ष खड़गे से और राहुल गांधी से यह निवेदन किया है कि वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने, चुकी इस बार आंकड़ा कांग्रेस के पास मजबूत है तो माना जा रहा है कि एलओपी का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। क्या राहुल जी ने इसमें कुछ कहा? वो सीडब्ल्यूसी पर विचार जरूर करेंगे। आज शाम 5:30 बजे जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी एलओपी बनते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के लोकसभा में नेता बनते हैं या फिर किसी और का नाम चुना जाता है। कई और नाम है जिसमें कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इन नामों की भी चर्चा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी के लिए चूंकि सभी सांसद कार्यकर्ता अपील कर रहे हैं ऐसे में उन्होंने भरोसा दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं आई है लेकिन सभी चाहते हैं, जैसा अभी हाल ही में हम सुन रहे थे अभी जीतू पटवारी को, जिनका यह कहना है कि देश का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी को नाम को लेकर आगे बढ़ रहा है कि सदन में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। लेकिन जब राहुल गांधी की तरफ से अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई है तो क्या अभी भी कुछ संशय हो सकता है शिवम? क्योंकि देर शाम को अगर वो स्पष्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बदलाव होने की भी संभावना है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को लेकर पार्टी के सभी नेताओं में सर्वसम्मति है, एक मत से सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अगर लोकसभा में जाते हैं वहां पर अपनी बात को रखेंगे तो न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि एक मैसेज जाएगा कि एक तरफ तो वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं तो वहीं लोकसभा में जवाब भी देते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी अभी फिलहाल दो जगह से लोकसभा के सांसद हैं, एक जगह से इस्तीफा भी देंगे, न्यूज 18 को सूत्रों ने यह भी बताया है कि वायनाड सीट छोड़ने की ज्यादा संभावना है, ऐसे में राहुल गांधी क्या लोकसभा में नेता का पक्ष स्वीकार करते हैं ये बड़ी बात होगी। क्योंकि राहुल गांधी की टीम से जुड़े सदस्यों का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी गहन मंथन चिंतन कर रही है और आने वाले समय में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जिन पर मोदी सरकार की जो गठबंधन सरकार बनी है उसका विश्वास जगा है। अगर हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती है तो जो केंद्र में मोदी सरकार है उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र के किसी नेता को भी लोकसभा में नेता विपक्ष का पद दिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकार लगातार इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी मजबूत हो और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम जहां जीते हैं वो अच्छी बात है लेकिन हमें इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना होगा। तो सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड हरियाणा या महाराष्ट्र के किसी एक नेता को दे सकती है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा। इन दोनों राज्यों में पार्टी ने बीजेपी के जो अपराजय अभियान चल रहा था उसको बदल दिया। हरियाणा की बात करें तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने झटक ली, महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस बन गया है। ऐसे में आज 5:30 बजे जब कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तो सभी की निगाहें होंगी कि क्या राहुल गांधी इस पद को स्वीकार करते हैं या फिर पार्टी हाईकमान ने किसी और को इस पद के लिए चुन लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो देर शाम ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाता है क्योंकि अभी सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव लाया गया था राहुल गांधी के नाम पर वो पास हो चुका है लेकिन अभी राहुल गांधी खुद हरी झंडी देते हुए नजर नहीं आए। उनका ये कहना है कि शाम तक वे इस पर विचार करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। इस बार 2024 में साल 2019 के मुकाबले संसद में महिला सांसदों की संख्या में कमी आई है लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार नारी शक्ति वंदन अभिनंदन में आगे बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी में महिला कैंडिडेट की जीत का रेशियो 100% रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने 6 महिलाओं को लोकसभा के मैदान में उतारा।
ये सभी महिला प्रत्याशी जीत गईं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संध्या राय, रीति पाठक और हिमादरी सिंह। चारों महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। इस बार बीजेपी की 6 नव निर्वाचित महिला सांसदों में सागर लोकसभा सीट से लता वांखड़े सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाली सांसद बनी है। लता वांखड़े ने 4,77,222 वोटों से जीत दर्ज किया। कांग्रेस ने एकमात्र महिला कैंडिडेट नीलम मिश्रा को रीवा लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जो चुनाव हार गईं। अब बीजेपी कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बता रही है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। जिस तरह आप देखते हैं हेडलाइन बनती है कि कांग्रेस के हर एक नेता ने जिस तरह महिलाओं का अपमान करते आ रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, कमलनाथ जी की बात करूं, जिस तरह आइटम और टंच बोलते आ रहे हैं महिलाओं को, या मैं उनकी महिला नेत्री सुप्रिया जी की बात करें, जिस तरह उन्होंने कंगना रनौत जी के लिए अपशब्द बोले थे, रणदीप सुरजेवाला जी की बात करूं जिन्होंने उस तरह अपमान किया था महिलाओं का, तो देखिए जो मूल चरित्र अगर महिला विरोधी है तो वहाँ क्या महिलाओं को वो राजनीति में मौका देंगे। कांग्रेस बीजेपी के महिला विरोधी आरोप को खारिज करते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद दिला रही है, जब पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया, और देश की प्रथम प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। कांग्रेस पार्टी ने ही पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को सशक्त बनाने का, और चुनाव में उतारने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पर जो इस तरीके के आरोप लगते हैं कि महिलाओं को टिकट कम दिया या ज़्यादा दिया, तो कई बार क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जीत का आधार होता है, सर्वे होता है, और कई कारणों से कभी टिकट ज़्यादा भी मिलते हैं और कभी कम मिलते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी स्तर पर व्यूहरचना तैयार करनी होती है और पार्टी के कैडर को उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। सिर्फ टिकट देने से सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। भाजपा के पास सुविधा ये है कि उसके पास उसका अपना कैडर है, वो किसी को भी खड़ा कर दे, क्योंकि महिला नेताओं के पास आमतौर पर सपोर्टर्स की कमी होती है, उनके पास उनका जो पोलिंग स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की समस्या आती है, कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो भाजपा के साथ ये सुविधा हो जाती है कि उनका पूरा कैडर लग जाता है। कांग्रेस में तो महिला नेत्रियों के अब उंगलियों पर गिनने लायक हैं, और वो भी एक लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रख पाती, ताकत नहीं रख पाती। बालाघाट ऐसा संसदीय क्षेत्र बना है जहां पहली बार कोई महिला सांसद चुनी गई है। यहां से बीजेपी की भारती पारधी ने जीत दर्ज किया है। वहीं सागर को 44 साल बाद महिला सांसद मिली है। इस सीट से लता वांखड़े के रूप में दूसरी बार कोई महिला सांसद बनी है। राज्य में हुए इससे पहले के चुनावों पर गौर करें तो वर्ष 2009 में भी 6 महिला सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। इनमें से 2 कांग्रेस की और 4 बीजेपी की थी। इसके अलावा वर्ष 2004 के चुनाव में 2 और 2014 के चुनाव में 5 महिलाएं जीती थीं। इस तरह से एमपी में बीजेपी की महिला प्रत्याशियों के सांसद बनने का रिकॉर्ड 100% रहा है। रमाकांत दुबे, भोपाल, न्यूज 18। हिंदी पट्टी या बड़े हिंदी भाषी राज्य, जहां बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, बावजूद इसके मध्य प्रदेश में पार्टी ने सभी 29 लोकसभा सीटें जीत ली। कुछ सीटें छोड़ दें तो जीत का अंतर भी लाखों वोटों का रहा। आखिर ये हुआ कैसे, इस पर राजनीतिक दलों का अपना मत है, लेकिन राजनीति के पंडित इसके कई कारण बता रहे हैं। एमपी में कांग्रेस की हार के पीछे पार्टी के दर्जनों तर्क हैं, लेकिन तर्कों में कांग्रेस के निशाने पर केवल बीजेपी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने पीएम मोदी से लेकर संगठन तक ने पूरी ताकत झोंकी, बीजेपी ने पानी की तरह पैसा बहाया, कांग्रेस के पास रिसोर्स नहीं थे और हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए थे। समूची भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप प्रधानमंत्री जी के दौरों की गिनती करें और गृह मंत्री जी के दौरों की गिनती करें, या बाहर से आए हुए यहाँ पर जो पदाधिकारी बीजेपी की उनकी गिनती करें, पूरी शक्ति उन्होंने मध्य प्रदेश में झोंकी, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ से कोई नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी एमपी में मिली बंपर जीत के लिए पार्टी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी इसके लिए पिछले 20 सालों के विकास की दलील दे रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश का विकास किया है, हमारे संगठन की मजबूती पर काम हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और इसी मूल मंत्र पे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इतिहास है, पिछले 20 वर्षों का इतिहास है जो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का विकास किया है, एक बीमारू राज्य को 2003 से पहले का जो बीमारू राज्य था उसे विकसित राज्य बनाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एमपी में कांग्रेस के सूपड़ा साफ और बीजेपी की बम्पर जीत पर राजनीति के जानकारों का कुछ और ही कहना है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता का कहना है कि 2003 के बाद एमपी में कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता चला गया और बीजेपी मजबूत होती चली गई। एमपी बाइपोलर स्टेट होने की वजह से मतदाताओं ने कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी को एक तरफा वोट दिया। मध्य प्रदेश में आप पहले 2003 के पहले देखेंगे तो ये कांग्रेस का राज्य था, भले ही ये कहा जाता था कि भाजपा यहाँ मजबूत है काडर है। 2003 के बाद कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कांग्रेस कमज़ोर होती गई और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। तो जो कांग्रेस की कमजोरी से भाजपा मजबूत है, यदि भाजपा खुद के कारणों से मजबूत होती तो 2003 के पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें आती थी 10-10 साल रहती थी तो वो नहीं रहती। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी बीजेपी की बड़ी जीत के लिए मजबूत संगठन मोदी लहर और राम मंदिर के मुद्दे को जिम्मेदार बता रहे हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, कैडर यहाँ का बहुत मजबूत है, संघ देश में सबसे ज्यादा कहीं मजबूत माना जाता है तो मध्य प्रदेश में माना जाता है। तो एक तो भाजपा और संघ दोनों मध्य प्रदेश में मजबूत है, दूसरा कांग्रेस लगातार कमजोर है, चाहे जोन से चुनाव हो चाहे संगठन हो कहीं वो खड़ी नहीं हो पा रही। एक तरफ हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, महाराष्ट्र बंगाल में पार्टी बड़े अंतर से पिछड़ गई, वहीं एमपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया जिसकी वजह रही बीजेपी का कसा संगठन, संघ का सहयोग, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, ऊपर से मोदी का चेहरा और राम मंदिर मुद्दा भी कारगर साबित हुआ। प्रशांत कटारे, News 18 भोपाल। सिंगरौली में दिनदहाड़े लूट का मामला सामने आया। मामला बैढ़न के बलियारी का है जहां नेहा इंटरप्राइजेस के मुनीम राम कुमार शुक्ला के साथ तीन बदमाशों ने मारपीट कर लूट की कोशिश की। ये पूरी वारदात मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं तीनों बदमाश स्कूटी सवार राम कुमार शुक्ला को टक्कर मारकर गिरा देते हैं और उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं। बदमाशों ने रामकुमार के हाथ पर चाकू से कई वार किए लेकिन उन्होंने बैग नहीं छोड़ा। मौके पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बदमाश फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपी सलमान खान, बबलू भाट और रोहित भाट को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आदतन अपराधी हैं जो पिछले महीनों सजा काटकर जेल से छूटे थे। रामकुमार शुक्ला ने बिल्कुल वो झोला नहीं छोड़ा और उसके हाथ में चाकू लगाया, तो कहीं वो भी आउट ऑफ डेंजर था, तो आराम से उसने सारे वारदात को बड़े अच्छे से बयान भी किया, उससे भी हमें काफ़ी लीड मिली। तो जस्ट एक तुरंत हमने फिर इन आरोपियों को जो है राउंड अप किया। एक लूट की घटना इसने 3 जून की रात में की और एक इसने 27-28 मई को भी की थी, तो वो दोनों लूट के भी जो विक्टिम थे उनको बुला करके तत्काल FIR दर्ज करके हमने आगे की जाँच शुरू कर दी। कांकेर के एक सरकारी अस्पताल में एक भालू घुस गया। भालू अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में घुस गया जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। भालू के अस्पताल में घुसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहाड़ी इलाके में होने की वजह से भूखा प्यासा भालू भोजन पाने की तलाश में यहां घुसा था।
और चलिए अब देखेंगे तेज